नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान, मैं हूँ आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्राइम ब्रांच ने लाल किला हिंसा के घटनाक्रम की जानकारी जुटाई है। लाल किला में दीप सिद्धू और इकबाल सिंह से पूछताछ हुई है, उनसे टिकट काउंटर से लेकर लाहौरी गेट तक पहुंचने के बारे में पूछा गया है। जी हां, प्राचीर तक पहुंचने के बारे में भी पूछताछ की गई है कि इतने पास तक आप कैसे पहुंच गए। पुलिस कर्मी लाल किले के बाहर खाई में गिरे थे, उस घटना के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। यानी कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, लाल किला हिंसा में दीप सिद्धू और इकबाल सिंह से पूछताछ हुई है। सीन रिक्रिएट किया गया है, लाल किला लेकर गई है क्राइम ब्रांच की टीम और इन दोनों से पूछताछ हुई है। सवाल पूछे गए हैं, जवाब लिए गए। जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन जो तस्वीर थी, उस तस्वीर को दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश यहां पर की गई है ताकि सबूत जो है वो जुटाया जा सके। चलिए सीधा ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। लाल किले के बाहर मेरी सहयोगी रितिका इस वक्त मौजूद है। रितिका, देखिए आज की पूछताछ, आज की जितने भी इन्वेस्टिगेशन है वो काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल वहां पर क्या स्टेटस है? बिल्कुल, देखिए आज की जो जांच है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम दीप सिद्धू और इकबाल सिंह के साथ लगातार अंदर सवाल जवाब कर रही है, क्योंकि अभी तक जितने भी तीन दिन तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं, जितने जवाब उनकी तरफ से आए हैं, उसमें विरोधाभास देखने को मिला है, गोलमोल रवैया देखने को मिला है। ऐसे में उन तमाम जो जवाब दिए गए हैं उनकी सच्चाई जानने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है। तस्वीरें आप देखिए लाल किले के भीतर, देखिए लाल किले के भीतर क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है और हर उस छोर पर जा रहे हैं लाल किले के जहां पर तोड़फोड़ की गई थी, क्योंकि 26 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसी घटनाक्रम को पूरी तरीके से जानने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम शुरुआत से ही जांच में जुटी हुई है। और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो रूट उन्होंने अपनाया था उस रूट को पूरी तरीके से खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबसे पहले देखिए जो टिकट काउंटर था जहां से आम लोगों की एंट्री होती थी, उस टिकट काउंटर को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था, तहस नहस की गई थी और फिर उसके बाद उस पूरे ग्राउंड में हंगामा करने के बाद सीधा फिर वो लाहौरी गेट की तरफ आगे बढ़े थे। लाहौरी गेट जो कि एक बहुत बड़ा गेट है, ऐतिहासिक गेट है, उस गेट पर भी कब्जा करते हुए, वहां पर भी तोड़फोड़ मचाते हुए फिर वो प्राचीर की तरफ आगे बढ़े थे और वहां प्राचीर पर किस तरीके से अपना धार्मिक झंडा फहराया गया था। इन तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है, क्योंकि देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था 26 तारीख को उसकी तह तक जानने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम हर एक एंगल से जांच कर रही है। और आज की ये जो जांच है, जब रिक्रिएशन की बात सामने आ रही है, तो ऐसे में क्राइम ब्रांच की टीम ये पुख्ता कर लेना चाहती है कि अलग अलग जो जवाब दिए जा रहे हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं दीप सिद्धू और इकबाल सिंह की तरफ से, उसमें कितना सच है। क्योंकि इकबाल सिंह जो कि लगातार ये कहता रहा है कि देखिए इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग रहेगा, लेकिन वो इस बात को नकारता रहा है कि लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो दर्शकों को बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लाल किले में जिस तरीके से रिक्रिएशन को लेकर के अब ये बात कही जा रही है, लाल किले पर रिक्रिएशन किया गया, लाल किला हिंसा का रिक्रिएशन किया गया है। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसको लेकर के ये रिक्रिएशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपको बता दें दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को SIT की टीम लाल किला लेकर पहुंची, वहां पर पूरे के पूरे सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर लाल किला हिंसा से जुड़ी हुई, जहां पर रिक्रिएशन किया गया, दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर पहुंची SIT की टीम और रिक्रिएट किया गया है। चलिए सीधा रुख करेंगे ग्राउंड जीरो का, मनोहर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोहर, देखिए रिक्रिएशन किया गया है 26 जनवरी की हिंसा पर, बहुत बड़ा खुलासा आज हो सकता है। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से जो है क्राइम ब्रांच की टीम है उन दोनों को लेकर के यहाँ पूरा एक करीब एक घंटे के करीब यहाँ पर सीन रिक्रिएशन का काम, अभी जो पूरा कार्यक्रम चला उसके बाद यहाँ से लेकर के रवाना हो गए। रितिका मेरे साथ में जी बिल्कुल, सहयोगी दीपक को कहूँगा कि वो पूरी तरीके से लाल किले की तस्वीरें दिखाए जहाँ पर जो पूरा सीन रिक्रिएशन किया गया था, और ये जो लाल किले की जो प्राचीर दिख रही है उससे लेकर के जो एंट्री का रूट है उस रूट से लेकर के ऊपर प्राचीर तक किस तरीके से वो दीप सिद्धू और इकबाल सिंह और उनके साथ जो लोग थे वो जो हिंसा के दिन वहाँ घुसे और किस तरीके से वहाँ जा कर के जो अराजकता फैलाई, उस तमाम चीज़ों को कड़ियों को जोड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम ने जिस तरीके से सुबह जिस तरीके से जाने के पूरे
कॉलोनी से निकल करके जहां पर रात को रुके थे वहां पर नॉर्थ ईस्ट में जो बताया जा रहा है कि सहादरा के आसपास कहीं जगह वहां पर रुके, वहां से लेकर के लाल किले तक किस रूट से आए और ऊपर लाल किले की प्राचीर तक कैसे पहुंचे, वो तमाम रूट रिक्रिएशन कर रही थी। आप यहां देख रहे थे कि जिस तरीके से क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही थी उसमें किस तरीके से लग रहा था कि वो वहां जो तथ्य है उनको जोड़ने में कामयाब हो रहे थे। बिल्कुल, देखिए यही तमाम सबूत जुटाने की कोशिश क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से किए जा रहे हैं क्योंकि 7 दिन के बाद देखिए कोर्ट में उनकी तरफ से रिपोर्ट दाखिल की जाएगी, तो वो पुख्ता सबूत क्राइम ब्रांच के हाथ में होने चाहिए। वही सबूत जुटाने के लिए आज रिक्रिएशन किया जा रहा है। देखिए सिंघू बॉर्डर पर जो दीप सिद्धू और इकबाल सिंह थे वो इस बात को कबूल करते हुए नजर आए हैं कि 26 तारीख से पहले ही हम सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे थे और सुबह सुबह दीप सिद्धू अपने 3 साथियों के साथ यहां पर पहुंचा था और जब पूरा का पूरा यहां पर जो जमावड़ा यहां पर मौजूद था लाल किले की प्राचीर की तरफ आगे बढ़ने के लिए तो उस जत्थे में वो शामिल हो गया था और फिर उसने इस बात को भी माना कि एक शख्स को हमने अलग से हायर किया था, उसी ने अपना धार्मिक झंडा यहां पर फहराया था। लेकिन अभी इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम उस खाई के पास मौजूद है जहां पर कई पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे क्योंकि लाठी डंडों हथियारों से लैस ये तमाम प्रदर्शनकारी थे जो कि लगातार पुलिसकर्मियों को हमला कर रहे थे जिसमें 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। और इस वक्त देखिए 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्राइम ब्रांच की टीम अभी भी अंदर मौजूद है। शुरुआत में एक एक छोर पर जाकर उनसे सवाल जवाब किया गया और कई जगहों पर देखिए एक बार फिर से दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को ले जाया गया प्राचीर पर। दो बार क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें लेकर आई है पूरी तरीके से घटनास्थल का जायजा लेते हुए कि देखिए किस तरीके से आप यहां पर घुसे थे और लाल किले की प्राचीर से पहले जो यहां पर पूरी मनोहर तहस नहस यहां पर मचाई थी, तोड़फोड़ की थी क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा यहां पर किया गया था, तो उसका भी आंकलन यहां पर टीम की तरफ से लिया जा रहा है। बिल्कुल रितिका, जो पॉइंट्स निर्धारित किए थे क्राइम ब्रांच ने कि किस किन पॉइंट्स पर इनकी जांच पूरी जांच की जानी, उन पॉइंट्स को मिलान करते हुए तथ्यों को जोड़ते हुए और जो सबूत है तमाम सबूतों को इकट्ठा करते हुए जिन धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया गया था उन धाराओं के हिसाब से कौन कौन से पॉइंट्स जो है वहां पर सबूत जो उनको जुटाने चाहिए थे वो तमाम चीजें यहां पर जो उन्होंने क्राइम ब्रांच ने इकट्ठा की और जो स्पेशल टीम थी दिलीप पुलिस की वो भी यहां पर मौजूद थी, इन तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में ये तमाम चीजें की गई और उसके बाद अब क्राइम ब्रांच की टीम अभी फिलहाल जानकारी मिल रही है कि यहां से उन दोनों को लेकर के क्राइम ब्रांच की जो चाणक्यपुरी जो ऑफिस है वहां पर लेकर रवाना हो चुके हैं। और देखिए मनोहर चाणक्यपुरी से उसी रूट से क्राइम ब्रांच की टीम इन दोनों को लेकर आई है जिस रूट से यहां पर लाल किले की तरफ ये आगे बढ़े थे क्योंकि आईटीओ को क्रॉस करते हुए लाल किले की तरफ बढ़े थे और आईटीओ में हम सबने देखा था कि किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई थी, हथियारों के साथ पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया था, तो उस रूट को भी परखा गया है, वहां पर भी जांच पड़ताल की गई है और जो फाइनल अब जो डेवलपमेंट है वो लाल किले पर अब नजर आ रही है क्योंकि देखिए अब दो मुख्य आरोपी जो कि इस पूरे घटनाक्रम के जो मेन कड़ी है वो तो गिरफ्तार हो चुकी है लेकिन जो मास्टरमाइंड है क्योंकि विदेशी फंडिंग को लेकर अलग से जांच हो रही है। दीप सिद्धू ये कह चुका है कि मेरा किसी भी प्रतिबंधित कट्टरवादी संगठन से कोई जुड़ाव नहीं है कि हाँ, लेकिन हाँ मैं इमोशनली तौर पर इन किसानों से जुड़ा था और इस पूरे आंदोलन में शामिल हुआ था। लेकिन इकबाल सिंह, देखिए इकबाल सिंह लगातार इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्लानिंग के बारे में मैं पूरी तरीके से जानता था कि किस तरीके से किसान नेता बॉर्डर्स पर पहुंचते थे, किसानों से बातचीत करते थे और कहते थे कि हमें जो रूट दिया जाए उस रूट को अपनाते ना हुए हमें दूसरा रूट अख्तियार करना है। और देखिए जो तमाम जो रूट पुलिस प्रशासन की तरफ से तय किया गया था उस रूट पर तो ये प्रदर्शनकारी नहीं पहुंचे लेकिन आईटीओ का मार्ग पकड़ते हुए लाल किले पर पहुंचे। लेकिन साथ ही साथ मनोहर लाल किले के साथ साथ इनकी मंशा इंडिया गेट पर भी जाने की थी क्योंकि ये भी बड़ा खुलासा किया गया है 3 दिन की पूछताछ में। ऐसे में 4 दिन आने वाले 4 दिन अब जो भी सवाल जवाब किए जाएंगे वो इन्हीं सबूतों के आधार पर किए जाएंगे। अब बिल्कुल रितिका, जो इन यहां से सबूत जो मिले उन सबूतों के आश्रय जो आगे का जो आगे की जांच है वो आगे बढ़ेगी और क्राइम ब्रांच की टीम है वो आगे जो लाल किले की जो प्लानिंग थी उसके बारे में समझेगी और उसके बाद क्या घटनाक्रम करना था, इनको किस तरीके से ये प्लानिंग बनाई उन्होंने, कौन लोग शामिल थे, उन तमाम लोगों तक पहुंचने के जो प्रयास किए जाएंगे क्योंकि अभी यहां पर सबूत जुटाए जा चुके हैं और सबूतों के आधार पर आगे की जांच जो है पुलिस करेगी। लेकिन फिलहाल यहां से किन जो पॉइंट्स बनाए थे उन सारे पॉइंट्स पर जो तथ्य जो बताए गए थे 3 दिन की जाँच में वो यहां पर जो मैच हुए कि नहीं हुए वो तमाम चीज़ें यहां देखने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो यहां से करीब 1 घंटे की पूरी जो तहकीकात तफ्तीश के बाद यहां से उनको दोनों को लेकर के वापस चाणक्यपुरी के लिए रवाना हो गई है। बिल्कुल थोड़ा और वक्त लग सकता है लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए लाल किले के बाहर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है।
कई लेयर की बैरिकेटिंग आज भी लगाई गई है क्योंकि यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ चुकी है। जब पता चला कि दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, सीमेंट के ब्रेकर्स यहाँ पर लगा दी गई है और तमाम यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती चप्पे चप्पे पर कर दी गई है, इस लिहाज से कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। क्योंकि लाल किला कांड जिसके बाद लगातार सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि किसानों के नाम पर किस तरीके से देश की छवि को धूमिल किया गया, देश के लोकतंत्र के साथ अपमान किया गया। अब उसके बाद ऐसे गुनहगारों की लिस्ट पूरी तरीके से तैयार कर ली जाए और जो मुख्य आरोपी है जो कि लगातार अभी इस घटनाक्रम से बचता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, एक जो नाम अभी सामने आ रहा है मनोहर, वो गुजराज का नाम सामने आ रहा है कि गुजराज को स्पेशली हायर किया गया था। उसे बताया गया था कि प्राचीर पर जाके आपको ही अपना धार्मिक झंडा फहराना है, क्योंकि इससे पहले भी वो चेहरा जो है बेहद ही विवादों में रहा है। तो ऐसे में जब उस पर गाज गिरेगी तो उस पूरे गैंग का पर्दाफाश होगा, क्योंकि एक दो आरोपी इसके पीछे, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे नहीं है बल्कि पूरा गैंग है जो कि किसानों की आड़ में देश के खिलाफ इस तरीके से माहौल को लगातार शुरुआत से ही बुनाने की कोशिश कर रहा था। अब बिल्कुल रितिका, जो किसी भी क्राइम को करने के लिए जो है शातिर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वही उसी क्राइम को कर पाने में सक्सेस होते हैं। इसी वजह से जिस तरीके से आपने जुगराज सिंह का नाम लिया, वो जो जिस तरीके से क्राइम में एक्सपर्ट था उसको हायर किया गया और जो उस तक पहुँचने के लिए इन तमाम सबूतों के सहारे वो पहुँचने की कोशिश की जाएगी, किस तरीके से उनके सहारे वो यहाँ पर पहुँचे, वो जो जो एक विशेष धर्म का झंडा है वो फहराया उन्होंने और जो जिस तरीके से दीप सिद्धू ने जो फेसबुक लाइव करके तमाम जानकारी जो है सब जगह जो सोशल मीडिया में दी, उसके बाद किस तरीके से यहाँ लोगों में जो एक जो रोष पैदा हुआ और उसके बाद जिस तरीके से हिंसा का जो रूप धारण हो गया था, तो उसमें किस तरीके से धाराओं के आधार पर जो मुकदमा दर्ज किया उनको कैसे साबित कर पाएंगे कोर्ट में, इन तमाम सबूतों को जुटाने के बाद यहाँ से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम है वो यहाँ कितनी कामयाब हो पाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सबूतों के आधार पर जो जुगराज सिंह की बात हो चाहे और अन्य जिस तरीके से उनके सहयोगी लोग रहे उन तक पहुँचने में कामयाबी शायद मिल पाए। बिल्कुल, और देखिए अब ये जांच जोर पकड़ती हुई नजर आएगी इन सबूतों के आधार पर ही, क्योंकि जो रिपोर्ट दाखिल की जानी है क्राइम ब्रांच की तरफ से कोर्ट में, उसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि दीप सिद्धू और इकबाल सिंह की जो पुलिस रिमांड है उसे बढ़ाया जाए या फिर जी 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 ऋतिका यहाँ पर रोकना चाहें।